क्लास सिक्स चैप्टर नंबर फाइव साइंस। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द साइंस क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर फाइव, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। यहाँ पर नेम से ही हमें पता लग रहा है कि सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस मतलब कुछ भी चीज़ हो सकती है, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, ठीक है, छोटा बड़ा कुछ भी, लेकिन हम उनको क्या करेंगे, अगर वो एक साथ मिक्स हैं तो हम उनको क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, उसी को ही हम क्या बोलेंगे, सेपरेशन बोलेंगे। तो यहाँ पर हम अलग अलग चीज़ों का सेपरेशन करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस पढ़ेंगे, कौन कौन सी चीज़ें मिक्सचर किस तरीके से बनाती है और किन मैथड्स से हम उनको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आता है सबसे पहले हमारे पास प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर किसे बोलेंगे, ठीक है। दो तरीके के सब्सटेंस होने चाहिए सेपरेशन के लिए, एक तो मिक्सचर होना चाहिए, प्योर कोई चीज़ प्योर है तो आप उसे थोड़ा सेपरेट करेंगे, तो प्योर किसे बोलेंगे। प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जो सिर्फ एक ही तरीके की चीज़ से बने हुए होते हैं, वो क्या कहलाएंगे, प्योर सब्सटेंस कहलाएंगे, ठीक है। जबकि मिक्सचर में क्या होता है, एक से ज़्यादा सब्सटेंस मिले हुए होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। तो प्योर सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। जो एक ही तरीके के एटम्स या फिर मॉलिक्यूल से बने होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। अब जैसे कि आयरन हो गया, आयरन के अंदर जो भी एटम्स होंगे, एटम्स क्या हैं, सबसे छोटे पार्टिकल्स जिससे भी कोई चीज़ मिलकर बनी होती है, तो आयरन के अंदर आयरन एटम ही होंगे, सिल्वर के अंदर सिल्वर एटम ही होंगे, वाटर के अंदर सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन एटम होगा, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। और जो भी मैंने जिन भी चीज़ों की अभी बात की है वो सब क्या कहलाते हैं, एलिमेंट, जो सिर्फ एक ही तरीके के एटम से मिलकर बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। और एलिमेंट्स और कंपाउंड जो हैं वो क्या है, प्योर सब्सटेंस है। अब हम बात करते हैं मिक्सचर, अगर हम एक से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस को आपस में मिला दें तो जो चीज़ बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे। अब यहाँ पर जो भी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें मिक्सचर में प्रेजेंट हैं वो सब अपनी अपनी प्रॉपर्टी शो करती हैं। कुछ भी चीज़ें जैसे कि दो से ज़्यादा चीज़ें हैं तो मान लीजिए तीन चीज़ों को मिलाकर हमने कोई मिक्सचर बनाया, तो उस मिक्सचर में तीनों तरीके की जो चीज़ें हैं उन सब की क्वालिटी होगी, उन सब के कैरेक्टर होंगे। जैसे कि एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, वाटर वेपर्स भी हैं, तो ये सब अपने अपने एयर के अंदर इन सब चीज़ों के क्या हैं, फीचर्स हैं। शुगर सॉल्यूशन इज़ अ मिक्सचर, शुगर सॉल्यूशन क्या है, मिक्सचर है जिसमें कि शुगर और वाटर मिला हुआ होता है। ब्रास जो है, ब्रास की मेटल्स होती हैं जो बैंगल्स बनाई जाती हैं जनरली उनकी, तो ब्रास क्या है, मिक्सचर है किसका, कॉपर और जिंक का, तो ये भी क्या है, एक मिक्सचर है। सॉरी, अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट इन अ मिक्सचर कैन वेरी। अच्छा, मिक्सचर में कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज़ का मिक्सचर बनाने के लिए ये चीज़ इसमें इतनी ही डालनी चाहिए या दूसरी चीज़ इतनी ही अमाउंट में डलेगी, नहीं। मिक्सचर के अंदर जो उसके कंपोनेंट हैं उनकी क्वांटिटी क्या हो सकती है, उनका अमाउंट जो है वो वैरी हो सकता है, मतलब चेंज हो सकता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के होते हैं, होमोजीनस एंड हेटेरोजीनस। तो जो सबसे पहले हम बात करें कि कंपोनेंट किसे बोलेंगे, तो मिक्सचर के अंदर जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट है वो सब क्या कहलाएंगे, उसके कंपोनेंट। सब्सटेंस प्रेजेंट इन द मिक्सचर इज़ नॉन एज इट्स कंपोनेंट या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट। तो अब कॉन्स्टिट्यूएंट जो हैं उसके अकॉर्डिंग कि कॉन्स्टिट्यूएंट जो वो आपस में किस तरीके से मिक्स हैं, उसी को ही, उस बेसिस पर हमने मिक्सचर को टू टाइप्स में डिवाइड किया, नंबर वन होमोजीनस एंड नंबर टू हेटेरोजीनस। होमोजीनस मिक्सचर का मतलब क्या है कि जितनी भी चीज़ें मिक्सचर में प्रेजेंट हैं, जो भी उसके कंपोनेंट या कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, वो इतने अच्छे से मिक्स हैं आपस में कि हम उनको किसी भी तरीके से सेपरेट नहीं कर सकते या हम फिजिकली उनको सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे शुगर डिजॉल्व इन
किसी भी तरीके से तो कर सकते हैं हम, केमिकल मेथड से हम उनको सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन फिज़िकल मेथड से हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते। जिस तरीके से शुगर जो है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाती है, तो आप शुगर और वाटर को आप चाह के भी अलग नहीं कर पाते, ठीक है। जैसे कि जो आप क्या लेमन जूस बनाते हो, शिकंजी बनाते हो, तो उसमें लेमन भी है, उसमें लेमन जूस है, वाटर है, शुगर है, सॉल्ट है, तो ये सब इतने अच्छे से मिक्स हो जाते हैं कि हम इनको आसानी से अलग नहीं कर सकते और यूनिफॉर्मली ये एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, होमोजीनस। और हेटेरोजीनस के जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो आपस में अच्छे से मिक्स नहीं हो, यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं हो, कहीं पर ज़्यादा अमाउंट होगा, कहीं पर कम अमाउंट होगा। लेकिन शिकंजी में आप कहीं से भी एक सिप लेंगे तो भी वही टेस्ट आएगा, लास्ट सिप लेंगे वो भी वही टेस्ट आएगा, बीच वाला सिप लेंगे वो तो भी वही टेस्ट आएगा। इसका मतलब सारे कॉन्स्टिट्यूएंट अच्छे से एक दूसरे में होमोजीनसली या यूनिफॉर्मली मिक्स हैं, लेकिन हेटेरोजीनस में वो एक दूसरे में यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, हेटेरोजीनस। जैसे कि सैंड और वाटर को अगर मिला दिया जाए, घोल दिया हमने, तो यूनिफॉर्मली कहीं सैंड ज़्यादा होगी, कहीं सैंड कम होगी, तो वो क्या बना, हेटेरोजीनस मिक्सचर। अब आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर हम किसे बोलें, प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, तो प्रॉपर्टीज़, सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मिक्सचर आर गिवन बिलो। कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर कैन वेरी, वही कंपोनेंट्स जो हैं, ज़रूरी नहीं है दो ही हों, तीन ही हों, बहुत सारे भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा होने चाहिए, तो ही हम उसे क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलेंगे। इन अ मिक्सचर एज ईच कंपोनेंट रिटेन्स इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी, मिक्सचर के अंदर जितने भी कंपोनेंट हैं उन सबकी प्रॉपर्टी जो है वो रिटेन रहती है, स्टेबल रहती है। द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल मैथड। जो मिक्सचर है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं, जो उनको हम फिजिकल मेथड से क्या कर सकते हैं, जनरली फिजिकल मेथड से हम क्या कर सकते हैं, उनको सेपरेट कर सकते हैं। नीड फॉर सेपरेशन, सेपरेशन के लिए किस किस सेपरेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों पड़ी बताइए, कि अगर कोई सी भी चीज़ है उसमें हार्मफुल सब्सटेंस मिले हुए हैं तो हम उन हार्मफुल सब्सटेंस को अलग करेंगे, जिसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, सेपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर कोई मिक्सचर है, जैसे कि कोई कचरा है, कचरे के अंदर सोना पड़ा हुआ है, तो आप उसको अलग निकालेंगे या नहीं निकालेंगे, तो हमारे यूज़फुल कंपोनेंट्स को भी सेपरेट करने के लिए हमें सेपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से हमें मिक्सचर may contain two or more substance in any ratio, मिक्सचर क्या है, दो से ज़्यादा चीज़ों को मिला दिया जाए किसी भी रेशो में तो वो मिक्सचर है। These substances are called components, components इनको हम बोलेंगे। अब आता है रिमूव द अनडिजायर, क्यों ज़रूरत है, अनडिजायरेबल सब्सटेंस को हटाने के लिए या हार्मफुल कंपोनेंट को हटाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, सेपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हमारे जो स्मॉल पीसेज, दाल के अंदर स्मॉल पीसेज ऑफ स्टोन अगर प्रेजेंट है तो हम स्टोन्स को अलग कर देंगे, ठीक है, तो ये क्यों, क्योंकि ये हमारे लिए हार्मफुल है। दाल के अंदर कीड़े हो जाते हैं तो हम उनको भी अलग करते हैं, तो ये सब क्या है, सेपरेशन है। रिमूव द इम्प्योरिटीज़, इम्प्योरिटीज़ को अलग करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, सेपरेशन टेक्निक की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद सेपरेट यूज़फुल कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर सो दैट ईच कंपोनेंट कैन बी प्रॉपरली यूज। हम जैसे कि एक वेल होता है जिसको कि जिसके के अंदर क्रूड पेट्रोलियम भरा होता है, मतलब एक ज़मीन के अंदर एक कुआं होता है, उसके अंदर पेट्रोलियम का मिक्सचर होता है, मतलब पेट्रोलियम भी होगा, डीजल भी होगा, केरोसिन भी होगा, वैसलीन भी होगा, ये सब चीज़ें उस वेल के अंदर प्रेजेंट होती है। अब हम उस वेल में से क्या निकालेंगे, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वैसलीन, डामर, इन सबको अलग अलग करेंगे, क्यों, ताकि हम इनको इनकी क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग क्या कर सकें, यूज़ कर सकें। अब आता है हमारे पास मेथड ऑफ सेपरेशन, कि ये तो हमने पढ़ लिया कि सेपरेशन क्यों ज़रूरी है, अब हम पढ़ते हैं क्यों जो मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेपरेशन सॉलिड फ्रॉम अदर सॉलिड। अगर एक मिक्सचर है जिसमें कि सॉलिड सॉलिड मिला हुआ है, ठीक है, सॉलिड और सॉलिड को बहुत सारे अलग अलग तरीके के सॉलिड सब्सटेंस को मिला दिया हमने, वो क्या बन गया, मिक्सचर बन गया। अब उस मिक्सचर में से हम अलग अलग सॉलिड को क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। अब जैसे दाल, दाल के अंदर कंकड़ है, तो कंकड़ क्या है, सॉलिड सब्सटेंस, दाल भी क्या है, सॉलिड, तो सॉलिड में से सॉलिड अलग करेंगे तो क्या क्या यूज़ कर सकते हो आप, हैंड यूज़ कर सकते हो। हैंड से हम उन पत्थर को निकाल लेंगे, छोटे छोटे पेबल्स जो हैं उनको निकाल लेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हैंड पिकिंग बोलेंगे।
तो हैंड पिकिंग से भी हम क्या कर सकते हैं, सॉलिड से सॉलिड को अलग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या होता है? थ्रेसिंग जो होता है वो प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स जैसे कि गेहूं, गेहूं का जो स्टेम होता है, गेहूं के सिर्फ ऊपर ऊपर की बालियां जो होती है वो हमारे काम की होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ग्रेन्स होते हैं और उन ग्रेन्स के छिलकों को अगर हम अलग कर दें तो ग्रेन्स हमारे पूरे तरीके से काम के होते हैं, बाकी सारी चीज़ें हमारे काम की नहीं होती है। हाँ, इन काम की इसलिए होती है कि जानवरों का वो चारा बनती है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो ग्रेन्स होते हैं, गेहूं है, उसके स्टेम हमारे कोई काम के नहीं है, ठीक है। तो स्टेम और ऊपर की जो बालियाँ हैं उसको हम क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, थ्रेसिंग टेक्निक यूज़ करते हैं। इट इज़ ईजी फॉर यू टू रिमूव द स्टैक फ्रॉम ग्रेप्स, बट इन द सेकेंड केस वीट सीड्स आर सो स्मॉल। वीट्स के जो सीड होते हैं, मतलब वीट के जो ग्रेन होते हैं, वो बहुत स्मॉल होते हैं। उनको हम हाथों से अगर हम हटाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसके लिए थ्रेसिंग यूज़ करते हैं। थ्रेसर होता है, मशीन होती है इसके लिए। सो स्मॉल, इट इज़ नॉट ईजी टू रिमूव द स्टाक, देन हाउ डज अ फार्मर सेपरेट द स्टाक फ्रॉम ग्रेन सीड। तो क्या करते हैं फार्मर्स उन जो गेहूँ का जो पूरा का पूरा स्टॉक होता है उसको धूप में सुखा देते हैं। जब वो सूख जाते हैं तो अब उसे क्या करेंगे, वो हाउ डज फार्मर सेपरेट द स्टॉक फ्रॉम ग्रेन्स, ही यूजेज अ मेथड ऑफ थ्रेसिंग। द फार्मर मेक्स अ बंडल ऑफ ग्रेन स्टॉक, छोटे छोटे बंडल बना लेते हैं वो, फिर उसको कहाँ पर रख देते हैं, वो धूप में रख देते हैं ताकि वो क्या हो जाए, उनके अंदर से मॉइस्चर निकल जाए। फिर उनको किसी भी किसी भी बैट जो होता है ना, उससे वो मारेंगे। उससे क्या होगा कि वो जो स्टॉक हैं वो सूख गए हैं, तो आसानी से जैसे ही मारेंगे वो क्या हो जाएंगे, टूट के अलग हो जाएंगे। और ऊपर की जो बालियां हैं उनसे हम क्या कर लेंगे, उनके जो ऊपर के जो हस्क है, ऊपर का जो कवरिंग है, उसको हटा लेंगे और इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा, गेहूँ के दाने मिल जाएंगे। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक मतलब उसका जो स्टेम है, डंडा है, उसको हम ग्रेन से अलग करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, थ्रेसिंग बोलेंगे। नाउडेज थ्रेसिंग इज़ डन बाय अ मशीन, जिसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेसर्स बोलते हैं। जिनके खेत हैं वो लोग इनको अच्छे इस चीज़ को, इन प्रोसेसेस को अच्छे से जानते हैं। विनोइंग बहुत नॉर्मल चीज़ है। सोचो मेरे पास में एक पंखा लगा हुआ है, बड़ा वाला जो पंखे होते हैं ना, वो लगा हुआ है। ये जो सीलिंग फ़ैन है, ये नहीं की बात की, जो खड़े हो जाते हैं ना उसकी बात कर रही हूँ मैं। अब मैंने क्या किया कि जो गेहूं है उसके छिलके को मुझे अलग करना है, तो पहले तो मैं गेहूं को क्या करूंगी, किसी भी ऐसी चीज़ से प्रेस करूंगी जिससे कि उसके छिलके क्या हो जाए, अलग हो जाए। अब मेरे पास एक मिक्सचर है गेहूं का और उसके छिलकों का, तो अब मैं क्या करूंगी, हवा से उसको अलग करने की कोशिश करूंगी। इस चीज़ के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत इलाबोरेटेड फॉर्म में पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर माई डियर स्टूडेंट।